सरकार, पूरा नया चेहरा, नई टीम, नई मोदी टीम, पूरे घर के बदल डाले मोदी जी। एक आडंबर कर लेना, एक मुखौटा हटाकर दूसरा मुखौटा चढ़ा लेना, ताकि पिछले जो गुनाह है वो माफ हो जाए। हमारे जैसे पत्रकारों को तो न्यूयॉर्क टाइम्स में वैसे भी कभी नौकरी ना हमें करनी है, ना आगे चल के भविष्य में हमें वहाँ नौकरी चाहिए। सिद्धू पंजाब में अपनी सरकार को बड़ा आईना दिखा रहे हैं, राजस्थान में सचिन पायलट। सिद्धू के पीछे क्या परिवार का पावर प्ले है? योगी आदित्यनाथ को इस बार रोकना है किसी तरह से भी। योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से रोकना है। और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी बात कोदी मीडिया में घटे कुछ मजेदार किस्सों की करते हैं। हाल ही में मोदी सरकार की नई कैबिनेट चुनी गई, ये मीडिया के लिए एक बड़ा इवेंट बना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती महंगाई तो मानो मुद्दा ही न हो, मीडिया ने नई कैबिनेट का स्वागत कुछ इस तरह से किया। सरकार, पूरा नया चेहरा, नई टीम, नई मोदी टीम, पूरे घर के बदल डाले मोदी जी ने। एक दर्जन से ज्यादा 16 मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, 16। बड़ा फेर बदल है। 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजीनियर, 7 मंत्री ब्यूरोक्रेट। बदले से सरकार नजर आते हैं, पुराने गए नए मंत्री आए, जिन्हें नई जिम्मेदारियां मिली उन्होंने कामकाज शुरू कर दिया है। मोदी की नई सेना से विपक्ष को क्यों लग रहा है डर और क्यों विपक्ष उठा रहा है सवाल मोदी की सेना पर? ये मोदी सरकार का अब विस्तार नहीं, अब आप कह लीजिए नया अवतार है, यानी परफॉर्म और पेरिश। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की क्या कोशिश है? अगर आप इसको, आपको हेडलाइन बनानी होगी तो कल की आपकी पहली हेडलाइन क्या होगी? इतनी जबरदस्त ओवरहॉलिंग। प्रधानमंत्री ने सबका काम रिव्यू किया, हाँ प्रधानमंत्री ने उसके बाद तय किया कि किसको रखना है, किसको निकालना है, किसको प्रमोशन देना है। ये क्या इमेज मेकओवर एक्सरसाइज है गवर्नमेंट की? एक डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता रागनी नायक ने नई कैबिनेट को मुखौटा बताया और महंगाई जैसे मुद्दों पर भाजपा को बात करने को कहा। ने खुद कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज दूंगा। ये हालत हो गई है देश की कि 80 करोड़ लोगों के पास महीने में 5 किलो अनाज खाने के लिए नहीं है। आप किस मुखालफत में जी रहे हैं? क्या ये सही आंकड़ा नहीं है कि 6 करोड़ लोगों का केवल डबल डोज का टीकाकरण हुआ है, यानी कि केवल 4.30% जनसंख्या का। हमने जनवरी 2021 से ऑर्डर करना शुरू किया टीकों, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर पाए हैं। मोदी जी का वादा है कि 80 करोड़ लोगों का टीकाकरण साल के अंत तक हो जाएगा, यानी अगले 6 महीने में 74 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर देंगे, जबकि पिछले 6 महीने में से 6 करोड़ लोगों का कर पाए हैं। इस किस्म की जुमलेबाजी, इस किस्म का झूठ, इस किस्म का जो पाखंड है ये जनता देख रही है। और आप जितनी ज्यादा भूल हो गई है उसको आप मानते नहीं तो भूल सुधार कैसे होगा? इसीलिए ये जो कहते हैं ना, आवरण बदल लेना, आडंबर कर लेना, एक मुखौटा हटाकर दूसरा मुखौटा चढ़ा लेना, ताकि पिछले जो गुनाह है वो माफ हो जाए, पर ऐसा होगा नहीं। अब जी न्यूज के पत्रकार के न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। इसमें वे न्यूयॉर्क टाइम्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इसे मोदी विरोधी बता रहे हैं। हमारे जैसे पत्रकारों को तो न्यूयॉर्क टाइम्स में वैसे भी कभी नौकरी ना हमें करनी है, ना आगे चल के भविष्य में हमें वहाँ नौकरी चाहिए। बहुत सारे पत्रकार तो आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में लिखेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है उन्हें इस बात का लालच हो कि एक दिन उन्हें वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। 2014 में नरेंद्र मोदी बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए पश्चिमी मीडिया नहीं आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने या वॉशिंगटन पोस्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था इस देश के लोगों ने। आज अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में स्थित अपने दक्षिण एशिया संवाददाता की एक वैकेंसी निकाली है और आज हमें उसकी एक कॉपी मिली है और उसमें साफ साफ ये कर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि उसे मोदी विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा के पत्रकारों की आवश्यकता है। सुधीर चौधरी की इस रिपोर्ट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पहले यही सुधीर जी न्यूयॉर्क टाइम्स की तारीफ किया करते थे, आप खुद ही देखिए। अब सवाल ये है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के ओपिनियन पेज में ऐसा क्या लिखा था जो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ और आज इसी को डीकोड करना जरूरी है। पाकिस्तान सेंसरिंग मोहम्मद हनीफ न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग इट्स आर्मी इज अ जोक ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस। सुधीर चौधरी का एक पुराना इंटरव्यू भी देख लीजिए जिसमें वे पत्रकारिता पर कुछ बात कर रहे हैं। जो टीवी चैनल्स के न्यूज रूम्स हैं, उन न्यूज रूम्स में जो कंटेंट सारा प्लान हो रहा है वो रेटिंग्स के आधार पर प्लान हो रहा है। जो
जिन इश्यूज को उठाया जाता है, जिन पर्सनालिटीज को लाया जाता है, जिन शहरों की खबरें दिखाई जाती हैं, सारा एक कैलकुलेशन ये करके दिखाया जाता है कि किस शहर, किस राज्य का वेटेज रेटिंग्स में ज्यादा है, तो उस राज्य, उस शहर की खबर दिखानी है। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक डिसऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज़्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज़्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज़ चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। पिछले दिनों गोदी मीडिया में पंजाब में आपसी कलह को लेकर डिबेट होते हुए आपने देखा होगा, मीडिया सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तों पर सवाल उठा रहा था। क्या मान गए हैं गुरु, क्या सिद्धू कांग्रेस के लिए हैं जरूरी, क्या पंजाब कांग्रेस में बन गई है बात, इस वक्त ऐसे कई सवाल हैं जो पंजाब के लोगों को परेशान कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस में अंदरूनी कला पर भी एक्शन है, कैप्टन वर्सेस सिद्धू की जंग सारी हद पार कर चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में सोनिया गांधी के दरबार में पहुंचे हैं, यानी मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू पंजाब में अपनी सरकार को बड़ा आईना दिखा रहे हैं। राजस्थान में सचिन पायलट। सिद्धू के पीछे क्या परिवार का पावर प्ले है जो अमरिंदर को कैप्टन क्या मानने को तैयार नहीं? पंजाब की सियासत में पिछले कई दिनों से घमासान चल रहा है। सिद्धू के परिवार पंच पर कैप्टन की लंच डिप्लोमेसी बाहर आई। सवाल ये उठते हैं, सिद्धू के लिए फिर आखिरकार बैटिंग कौन कर रहा है? जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है तो सिद्धू यहाँ पर पैरलर परिवार के साथ मिलकर कौन सी पारी खेल रहे हैं? मीडिया को उत्तराखंड शायद दिखाई ही नहीं दिया या उन्होंने देखा नहीं, वहां तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी पंजाब में तो मुख्यमंत्री बदला नहीं है, पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ही दे दिया, लेकिन मीडिया इस पर सवाल करता नहीं दिख रहा। मीडिया तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर भी ज्यादातर चुप ही रहता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक नेटवर्क के पत्रकार अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में ज्यादातर सवालों में अर्नब योगी की तारीफ ही करते नजर आए। सवाल सबके मन में ये भी है योगी जी कि पिछले 3-4-6 महीनों में एक ट्रेंड बनी थी और एक लॉबी बनी थी, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली की लुटियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इसमें, जो लोग ये कह रहे थे कि कोई भी इस बार मुख्यमंत्री का दावेदार बन जाए मगर योगी आदित्यनाथ को रोक। योगी जी, आपको क्या लगता है, अभी दिल्ली में एक ही बात पर हमेशा चर्चा हो रही कि योगी आदित्यनाथ को इस बार रोकना है, किसी तरह से भी योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने से रोकना है। जिन लोगों को आश्चर्य हो गया था जब आपको अचानक 2017 में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्होंने अपना नंबर वन मिशन सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने का रखा है, और अखिलेश ने कहा कि इस बार हम सारी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, हर दिन एक नया मोर्चा सामने आता। अब एबीपी न्यूज की एक डिबेट देखिए, इसमें जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने रामदेव को लाला रामदेव बोला तो रूबिका भड़क उठी और राहुल गांधी पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कांग्रेसी प्रवक्ता ने भी उन्हें खरी सुना दी। जो कोरोनिल का लाला रामदेव के साथ स्वयं प्रचार कर रहे थे, वही लाला रामदेव जो कह रहे थे कि 2-2 डोज लगवाने के बाद डॉक्टर मर गए, और उसके ऊपर उसके बाद उनकी टिप्पणी रहती है कि मुझे तो कोई बाप किसी का बाप नहीं पकड़ सकता, ऐसी संवेदनहीन बात कहने के लिए। आप बाबा रामदेव को लाला रामदेव कीजिए, लेकिन बाबा राहुल गांधी के बारे में भी तो बता दीजिए। बाबा गांधी जिस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट के माने क्या है? एक तो मुझे बहुत आश्चर्य है, मैंने लाला रामदेव कहा तो आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बाबा कह रही हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की बात करता तो मैं समझ सकती थी, पर एक एंकर को इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए देश के राष्ट्रीय नेता के प्रति, मैं इस पर आपत्ति दर्ज करती हूँ। आप मुझे बात बताइए, आप लोग राहुल बाबा कह सकते हैं और मैं बाबा राहुल गांधी नहीं कह सकती उनको, क्यों भाई? आप कहें राहुल बाबा तो कोई परेशानी नहीं है, मैं कहूं बाबा राहुल गांधी तो आपको दिक्कत है, क्यों भाई? शब्दों का प्रयोग कर रही है रूबिका, जो गलत है और आपको ऐसा नहीं करना। अक्सर लोग गोदी मीडिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आप भी देख लीजिए। No, you ban that. Go to war. Why do I care? There's only one thing I care about. China is a beautiful country making amazing products. Thank you, China. The value for money for their products is next level. Oh my God, I can't even explain. You know who is to blame? You know which country is to blame? You know which place is to blame? US. You give them anything, they'll make it into a problem. No, you please tell me, how am I supposed to deal with...
Ladies and gentlemen, there's only one person to blame. You know who? You. No, you. If you don't pay your taxpayer money on time, then how will they pay for anything? There's only one thing I care about, which is the truth, the justice, the quality of things. Now you please tell me, how do I fight for you? ये तो थी इस हफ्ते की गोदी मीडिया की बात। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप गोदी मीडिया की इस हफ्ते की कारगुजारी के बारे में क्या सोचते हैं। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.